सलाम अलैकुम सुप्रभात। कक्षा 10वीं से संचय में से पाठ दूसरा सपनों में से एक, जिसके लेखक है गुरदयाल सिंह। भाग तीसरा, आगे के दो भाग में मैंने वीडियो दिखाया, आपको संक्षेप में समझाया कि पाठ पढ़ने में आपको थोड़ा जैसे बहुत लंबा लगेगा, पर ये आपके जिस अवस्था में आप है उसी से संलग्न ये पाठ है, तो ये पाठ पढ़ना सुनना इसके अंदर में हो जाना एक अलग ही मजा देता है। अब पाठ को मैं हर पंक्ति पढ़ पढ़ के आपको मैं समझाने की जगह मैंने पाठ का सार दो में उसे विभाजित किया कि जैसे पहला बच्चों का खेल प्रेम, इस पाठ में क्या क्या चीजें दी गई, लेखक की आत्मकथा है गुरुदयाल सिंह की, उस आत्मकथा में से उनके जो बचपन के दिन थे उनके स्कूली जीवन के दिन थे वो चीज इसमें ली गई। तो मैं पहले सबसे पहले वो ले लेता हूँ, लेखक का मध्यम वर्गीय परिवार, लेखक पंजाब के वतनी है, मध्यम वर्गीय परिवार है, मजदूरी करने वाला परिवार है। तो जहाँ जैसे हम अपने आसपास गुजरात में देखते हैं कि दहेज है, भुवनेश्वर है, वहां बहुत सारे मध्यम वर्गीय निम्न मध्यम वर्गीय परिवार यूपी बिहार राजस्थान साउथ के कई राज्य उड़ीसा असम बांग्लादेश पंजाब हरियाणा भारत के हर एक कोने से जिन्हें रोजगार की जरूरत है वो यहाँ आकर बस जाते हैं। उन्हें भाषा की किल्लत है, साउथ से आने वाले लोगों ना ठीक से हिंदी आती है ना गुजराती आती है ना अंग्रेजी आती है, उन्हें अपनी मातृभाषा आती है, फिर भी रोजगारी के लिए वो इधर आ जाते हैं। तो कई जो निम्न मध्यम वर्गीय है जो अपनी झोपड़पट्टियाँ बनाकर बस जाते हैं, मध्यम वर्गीय है जो अपने कहीं भाड़े के मकान लेकर ले जाते हैं। तो ऐसे सारे परिवार एक जगह जहाँ से उनकी रोजगारी मिलती है वहाँ नजदीक में ठहर जाते हैं। तो ऐसे सारे परिवार जैसे आप अपने आसपास देखते हैं वैसे ही लेखक कहते हैं कि हरियाणा पंजाब से राजस्थान से परिवार जो रोजगारी के लिए आए थे तो वो ऐसी बस्तियों में बसे थे, मध्यम वर्गीय परिवार लेखक के आसपास, लेखक का परिवार भी उनमें से एक ही था। अब जो लोग जो बच्चे एक दूसरे की भाषा नहीं समझते थे पर बच्चे इशारों से खेल समझते थे, अपने एक दूसरे के मन की बात समझते थे, ऐसे सारे परिवार जिससे रोज कमाना है और रोज खाना है, उन परिवारों को ये मतलब नहीं है कि उनका बच्चा स्कूल जाता है नहीं जाता है क्या खेलता है क्या करता है। जो दिन जो परिवार में जो मर्द है औरत है दिन भर मजदूरी करते हैं और रात को होते ही ज्यादातर परिवारों में जो पिता होते हैं वो ऐसे प्रियजन नशीले पदार्थ पीकर बेहोश होकर फिर अपनी थकान मिटाते थे, फिर सुबह होते तो काम में चले जाते थे। तो ऐसी परिस्थिति में लेखक बड़े हुए पढ़े अध्यापक बने और अपने जी कई ऐसे उन्होंने किताब लिखी ज्ञान की पुरस्कार प्राप्त किया उन्होंने। तो ये उनका जीवन उनकी आत्मकथा हमारे लिए एक संदेश है कि अगर हमें मौका मिले या ना मिले और अगर हम पढ़ाई का रास्ता अपनाते तो एक दिन तकदीर जीवन संजोग सब हमें मौका देने को तैयार हो जाते हैं या होना पड़ता है। अब मैंने पहले बोली बाद में आता हूँ बच्चों का खेल, मैंने कहा एक जगह इकट्ठे हुए सारे प्रांत में से निम्न मध्यम वर्ग या मध्यम परिवार के बच्चे, वो एक दूसरे की भाषा नहीं जानते पर बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद आता है खेल। जैसे आप भी जब स्कूल आते थे जैसे 20 मिनट का ब्रेक होता था जिसमें हाथ धोना लंच बॉक्स लेकर खाना फिर हाथ धो लेना इन सारे में 20 मिनट बहुत कम पड़ते, फिर आप उसमें से समय निकालकर एक दूसरे के पास मिलने जाते हो एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत मस्ती कर लेते हो। क्यों कि बच्चों का मनोविज्ञान ही कहता है कि बच्चों का सबसे ज्यादा एक उम्र तक रुचि खेलने कूदने में एक दूसरे के साथ समय बिताने में होती है। तो बच्चों का खेल प्रेम ऐसा है इस पाठ में दिखाया गया कि एक दूसरे की भाषा नहीं जानते फिर भी वो सारे पिट्ठू और वो सब खेल लेते हैं, तालाब में नहाने जाना सब चीजें एक दूसरे से इशारे से खेल लेते हैं।
परिस्थिति यह है कि यहाँ खेलने के बाद कई बार चोट लगती है, घर आकर बहनों से माताओं से मार पड़ती है, कई बार पिता इतने काम में थका हारा अपना जितनी सारी शिकायत है सोचे समझे बगैर बच्चों को पीट देता है, खून तक निकल आता है, ऐसी भी परिस्थिति होती है। फिर भी दूसरे दिन सुबह वो बच्चे सारी चीजें भूलकर फिर खेलने में लग जाते हैं। बच्चों को फरिश्ता क्यों कहा जाता है, भगवान का रूप क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर वो बुराई अभी तक आई नहीं है कि अपमान की या द्वेष की या ईर्ष्या की, जलन की या पाप, वो आज जो होता है वो दूसरे दिन भूल जाता है और फिर से एक बार नई शुरुआत वो कर सकता है, जो बड़े इंसान नहीं कर पाते हैं, इसीलिए बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती है। दूसरा, लेखन का बाल्य। यहाँ तो पहले जनरल सारे बच्चे आ जाते हैं, इस दुनिया के सारे बच्चे को प्रिय है खेलना, ये बात बताई गई। अब लेखक का बाल्य, मैंने पहले आपको बता दिया है कि लेखक का परिवार वही मध्यम वर्गीय परिवार है, वही परिवार जो मजदूरी करने के लिए इकट्ठा हुआ है, ऐसी बस्तियों में रह रहा है, ऐसे में ज्यादातर बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। फिर भी उस समय मध्याह्न भोजन करके स्कूल में खिलाया जाता है, उसकी वजह से ज्यादातर माता पिता उन्हें स्कूल भेजते थे और लोग समझाकर स्कूल ले जाते थे अध्यापक और नए पुस्तकें मिलती थी, पर कई बच्चों में ज्यादातर पढ़ाई में कोई परवाह नहीं थी। कई बच्चों ने तो बीच में आते तारा में किताबें फेंक दी, बस्ता फेंक दिया, उसके बाद कभी पढ़ने ही नहीं थे, और इनके माता पिता को भी बच्चों को पढ़ाने में या पढ़ रहा है नहीं पढ़ना है, पढ़ना चाहिए इसमें कोई लेना देना नहीं है, उनको ऐसा है कि हमारी जगह हमारा बेटा भी मजदूरी करेगा, दो पैसे लाएगा और हमारा घर चलेगा। दूसरे जो पचुरने हैं, जो छोटी छोटी दुकानें हैं या जो जो काम धंधे कर रहे हैं, उनको भी ऐसा है कि हमारे बच्चे हमारी जगह धंधे पर बैठ जाए, बस मास्टर से थोड़ा हिसाब किताब सीख ले, हिंदी करना और बस उससे आगे कुछ नहीं। ऐसे में लेखक को भी पढ़ना अच्छा लगता नहीं है, उन्हें भी खेलना अच्छा लगता है, पर इन सब के बावजूद भी वो पढ़ते हैं, ये उनका बाल्यकाल। और बाल्यकाल में बहुत सी बातें बताई है कि कैसे स्कूल जाना, स्कूल से आना, स्कूल जाते हुए बीच में जो पौधे आते थे फूल आते थे उसे तोड़ लेना, फिर उसका क्या करना, किताब में रखना या घर ले जाना या हाफ पैंट नहीं रहने देना यूनिफॉर्म में, यूनिफॉर्म तो क्या जो कपड़े मिलते थे वो पहन लेते थे, वही हाफ पैंट पे रखना या फिर स्कूल से निकलते हुए बकरी की तरह चल जाना या क्या करना, लेखक को ठीक से याद नहीं, हम पर कहते थे वो फूल तोड़ लेते थे और उसकी जो सुगंध थी तीखी वो आज भी हमें याद है। स्कूल में जो नीम के पेड़ थे वो एंटर होते जो नीम के पेड़ की गंध थी वो लेखक है वो आज भी मुझे याद है। लेखक स्कूल की सारी बातें करते हैं कि जैसे दूसरे दर्जे में जाते दूसरे बच्चों जो अमीर बच्चे होते थे उनकी पुरानी किताब अध्यापक टीचर उनके कहीं से भी मुहैया करवाते थे, तो उन पुरानी किताबों की महक उन्हें बहुत बदबूदार लगती। लेखक कहते थे कि स्कूल में ज्यादातर बच्चे पढ़ाई से मुंह फेरते, पढ़ना नहीं चाहते थे, सबको स्कूल में भी खेलना था और स्कूल जाओ तो घर जाने जल्दी थी। उसके बाद होते थे ग्रीष्मावकाश के दिन, मतलब कि गर्मी के दिन की छुट्टियां होती है ना, तो जैसे आपकी भी छुट्टी है तो हम क्या करते हैं होमवर्क देते थे, तो लेखक कहते हैं कि स्कूल में से भी होमवर्क मिलता था, घरों मिलता था, और लेखक कहते थे ज्यादातर बच्चे गर्मी के दिनों में अपने ननिहाल ननिहाल मतलब नाना नानी के घर मामा के घर चले जाते थे, लेखक खुद भी अपने ननिहाल चले जाते थे, वहां उनका बहुत आदर सत्कार होता था, जैसे उनके मामा के लड़के की जगह बच्चों की जगह उन्हें उनकी नानी ज्यादा प्यार करती थी, क्यों, क्योंकि वो शहर से आए थे, वो स्कूल से पढ़े थे तो ठीक से बोलते थे और कम खाते थे, यहाँ खाने पर इसलिए भार दिया गया है खाना बच्चे खाना ही चाहिए, पर देखा देखा ना देखा खाने से या फिर ज्यादा गिरा कर खाने से, लेखक कहते थे कि हम
ठीक से खाते थे और कम खाते थे, इसलिए नानी को ज्यादा याद था। अवकाश समाप्ति से पहले, अब अवकाश मतलब छुट्टी के दिन, अब परिस्थिति क्या होती है, जैसे छुट्टी के दिन मिले, जैसे 31 मंथ का वैकेशन है 30 दिन का, तो ज्यादातर हम ये सोचते थे लेखक ये कह रहे थे कि हम डिवाइड कर लेंगे कि 10 दिन खेलेंगे और आखिरी 10 दिनों में हम होमवर्क कर लेते थे, पर गर्मी की छुट्टियां कब समाप्त हो जाती थी हमें पता ही नहीं चलता था। आखिरी 10 दिन आ जाते थे, तब होता था कोई बात नहीं आखिरी 3 दिन में कर लेंगे, और 3 दिन भी कैसे चले जाते थे वो भी पता चलता नहीं था। ऐसे पूरे अवकाश छुट्टियां खत्म हो जाती थी और उनका होमवर्क हो पाता नहीं था। जैसे आप कई बच्चे ऐसे हैं, हमें भी जो आप सुन रहे हैं उनमें भी, यहाँ होमवर्क दिया जाता है, अभी अवकाश मिला ही नहीं, छुट्टी मिली नहीं, उससे पहले कंप्लीट कर लेंगे, या फिर जब आना होगा तो लास्ट दिनों में जैसा तैसा करके वो लेंगे, मतलब फॉर्मेलिटी है। होमवर्क इसलिए दिया जाता है कि जब भी आप खेल कूद के दौरान जब भी फ्री हो, आपको मन करे तब आप लिखेंगे तो आप पढ़ाई से जुड़े रहेंगे, इसीलिए आपको गुरु का यह होमवर्क दिया जाता है, ना कि फॉर्मेलिटी करके टीचर को दिखाने। यहाँ भी यही परिस्थिति है, जैसे ये है वैसे है आप। उसके बाद विद्यालय का वातावरण, विद्यालय का वातावरण कैसा था, कहाँ गया है कि आज भी लेखक अपनी स्कूल याद करते हैं कि स्कूल से जाते हैं दोनों तरफ क्यारियां लगी है, पौधे लगे हैं, उनमें से वो फूल तोड़ लेते हैं, नीम के पेड़ हैं जिसकी सुगंध आज भी उनके दिमाग में है, दोनों तरफ गलियारी है, सामने प्रधानाचार्य का ऑफिस है, वो सारी बातें वो याद करते हैं। तो लेखक पूरे स्कूली जीवन को याद करते हैं, उस समय उनका जो स्कूली जीवन था उन्हें दुखद लगता था, उन्हें पढ़ना अच्छा लगता नहीं था, फिर भी वो पढ़े, उनके साथ के ज्यादातर बच्चे नहीं पढ़ पाए या उनके माता पिता ने ध्यान नहीं दिया, और परिस्थिति ही ऐसी है कि जहाँ रोज कमाकर रोज खाना, आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि ऐसे कैसे माता पिता होगा कि अपने बच्चे को पढ़ाते नहीं या पढ़ाना नहीं चाहते या पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं देते। तो आपने कभी फुटपाथ पर लोगों को देखा है भीख मांगते हुए या छोटी मोटी काम करते, जहाँ रोज कमा कर खाना है, जहाँ शाम को खाने का ठिकाना नहीं है, वहाँ व्यक्ति कहाँ पढ़ाई के बारे में सोचेगा। महत्वपूर्ण 3 चीजें, रोटी कपड़ा और, अब उससे भी महत्वपूर्ण 4थी चीज है पढ़ाई, अध्ययन, अभ्यास, ये जीवन में बहुत जरूरी है। अगर ये चीज आएगी तो बाकी की 3 चीजें अपने आप आपको मिल जाएगी। और पढ़ाई सिर्फ केवल पैसे कमाने का जरिया नहीं है, एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है इंसान को इंसान बनाने के लिए, एक इंसान को अपने अंदर प्रतिभा खिलाने के लिए, अपने अंदर जो खास चीज है उसे बाहर लाने के लिए, प्रतिभा को बाहर लाने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। अब इस भाग में बस इतना ही, आगे के भाग में लास्ट को महत्वपूर्ण बाबतें हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के समय, आप सोचेंगे कि सर इसमें विश्व युद्ध कहां से आ गया, तो उस समय दूसरे विश्व युद्ध की जो पृष्ठभूमि थी, हम अंग्रेजों के गुलाम थे, हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था, तो वो भी किया गया है, तो आपको पता चलेगा उस समय कैसा समय था, कैसी पृष्ठभूमि थी। और लास्ट में है मास्टर प्रीतम चंद का व्यक्तित्व, हमें कई बार कई टीचर अच्छे लगने लगते हैं और कई टीचर दुश्मन लगते हैं, पर याद रखना जैसे माता पिता हमेशा बच्चे का अच्छा ही चाहते हैं, वैसा कोई भी शिक्षक हो, चाहे हंस कर बात करे, गुस्से से बात करे, डांटे, प्रेम करे या कैसे भी ट्रीट, वो हमेशा अपने छात्र का भला चाहता है। आपको जितने भी टीचर आज अप्रिय है, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि जब आप पढ़ लिख कर बड़े हो जाएंगे, हमारी जगह आ जाएंगे, तब आपको हर एक टीचर अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि मैं उसी की बदौलत, उसकी डांट, उसकी मार, उनकी बदौलत आज यहाँ खड़ा हूँ। क्यों? क्योंकि ये आज मैं खुद अपने लिए महसूस करता हूँ। आपकी जगह मैं रहा होगा तो कई बार कई टीचर ऐसे जिनकी डांट में अच्छी नहीं लगती थी, जिनकी मार में अच्छी नहीं लगती थी, तो लगता था कि ये हमारे दुश्मन, यही मिलन, यही हमारी शक्ति है, पर आज लगता है कि अगर हमारे अंदर कोई डिसिप्लिन आई है, अनुशासन आया है, कुछ सीख पाया है, तो उसी अमरीश पुरी को, इसी टीचर की वजह से सीख।
आज हम बहुत उनका आदर करते हैं, पर हमारा समय अलग था, उससे पहले का समय कुछ अलग था और आज का समय अलग है। ये सारी चर्चा हम आने वाले भाग में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।